अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। फिलहाल मैं जो हूँ संगारेड्डी में हूँ। तकरीबन एक दो घंटे पहले मुझे इतला मिली कि संगारेड्डी के एक मुकाम दौलताबाद जो हथनूर मंडल में आता है, वहाँ पर कुछ शतपसंद अनासिर ने एक अब्दुल कदीर नामी साहब के मकान पर हमला किए और उनकी एक दुकान को भी जलाए। कुछ एक छोटा सा का वाकया यहाँ से, कुछ ये राम टेम्पल के इनाग्रेशन के सिलसिले में जुलूस निकाले थे वो लोग। कोई आपस में बच्चे बालकनी में खेल रहे थे, खेलते खेलते ऊपर से कोई चीज़ गिरी, उस छोटी सी चीज़ को बहाना बनाकर उनके मकान पर हमला किए और तकरीबन घंटा डेढ़ घंटे तक पूरा रोड जाम करके, पूरा जो वीडियोस में देखा, और उनकी दुकान जला दिए। उसके बाहर कोई एक ट्रैक्टर खड़ी हुई थी उसको भी जला दिए। तो जैसे ही मुझे इत्तला मिली, हम फौरी दौलताबाद की तरफ आए। तो संगारेड्डी के करीब में हमारे पुलिस वाले रोक कर बोले कि साहब आप वहाँ पर मत जाइए, बहुत टेंशन है, हम पूरा सिचुएशन कंट्रोल में रखे हैं। तो वहाँ के एक वार्ड मेंबर है बेचारा, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, और वहाँ के मुकामी सरपंच जो गैर मुस्लिम है उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उसके बाद में हमारे को ले जाकर सुपरिटेंडेंट से मिलाने के लिए, यहाँ के पुलिस वाले सुपरिटेंडेंट से मिलाए ले जाकर। तो सुपरिटेंडेंट साहब भी वहाँ पर ही कैंप करके है। तो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर पगाड़ा अशोक, पी अशोक साहब से मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने हमें तहखुन दिया है कि जो भी वाकया पेश आया उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, और जैसे ही सुबह होंगे उनको आइडेंटिफाई करके तमाम को गिरफ्तार किया जाएगा। तो मैं फिर वहाँ से, हम फिलहाल हमारे हाफिज मोहम्मद अब्दुल खय्यूम साहब, बड़े हाफिज साहब के नाम से जो मशहूर है, उनके मकान पर है हम संगारेड्डी। मेरे साथ में हमारे डॉक्टर गौस साहब, गौस मोहिउद्दीन और डॉक्टर गौस हमारे साथ में है, और अबू बकर साहब भी हैं साथ में, और उनके हमारे हाफिज साहब के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल बासित है। तो बोलना यह है कि फिलहाल संगारेड्डी में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस हमें तहखुन दी है कि जल्द से जल्द, क्योंकि आप देखिए जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद लोग जो है कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात पेश करना चाह रहे हैं और मौजूदा सरकार को बदनाम करके, अरे कांग्रेस फिसादात कराती, भाई कांग्रेस आए तो फिसादात होता, ऐसा जहन देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए जो आरमूर के एक मंडल में ऐसी वाकया पेश आया, वहां पर जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का, क्या नाम है उसका वो गाँव का, वेलपुर में एक खबरस्तान में जो है जाके पूजा किए, मंदिर बनाने की कोशिश किए, उसको भी पुलिस नाकाम कर दी बड़े पैमाने पर। फिर उसके बाद में आज सुबह में मैं खुद नलगुंडा गया था, मस्जिद सराय मीर नारकेटपल्ली जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की कुली अराजी पर भी कल रात में शरपसंद अनासिर जमा होकर जो है वहाँ पर भी पूजा पाठ किए, वहाँ पर भी पुलिस उसको नाकाम की, केस बुक किए। मैं नारकेटपल्ली गया था, वहाँ पर मुझे जो है चिटियाल के करीब में आने, नारकेटपल्ली से 15-18 किलोमीटर पहले चिटियाल पर पुलिस रोक ली, जाने नहीं दी वहां पर। फिर वहां पर के जो डीएसपी श्रीधर रेड्डी, डीएसपी नलगुंडे से मेरी मुलाकात हुई, और वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स आए वहां पर, उन्होंने तहखुन दिया कि नलगुंडे का जो मसला है मेरियालगुड़े नारकेटपल्ली का, उसको एक दो दिन में सर्वे कराकर
वो जमीन क्योंकि दर्जा औकाफ है, वक्फ प्रॉपर्टी है, वो लोग बोल रहे हैं कि उनकी ZPT जिला परिषद की जमीन है लेकिन वो वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको बाउंड्री वाल उठाने का वहां के MLA भी तयखुन दिए हैं हमें, और वहां पर जो राजगोपाल मिनिस्टर भी हैं उन्होंने भी तयखुन दिए हैं। तो एक महीने में तीसरा, आज एक दिन में दो वाकियात पेश आए, इसका मतलब कि एक नलगुंडे में, मेरी नारकटपल्ली नलगुंडे में, और आपके दौलताबाद हथनूर मंडल संगारेड्डी में, तो दोनों जगह भी फिलहाल तो सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो लोग भी ये वाकया किए, दौलताबाद का जो दुकान जलाए, उनके मकान पे हमला किए, पूरे 30-35 आदमी के ऊपर FIR इश्यू के पूरों को गिरफ्तार करना चाहिए। मैं फिलहाल संगारेड्डी में ही हूँ आज रात में, तो इंशाल्लाह देखेंगे सुबह होने के बाद में वहां पर मुकाम पे जाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बहुत टेंस है, अंदर जाने से पुलिस हमें रोकी है, पुलिस से भी हम कॉपरेट कर रहे हैं, हमारे जाने से हो सकता और शरपसर अनासिर ऐसा शर करते हैं। तो वैसे ही हाफिज साहब से भी मुलाकात नहीं हुई थी, बहुत दिन हो गए थे बड़े हाफिज साहब से भी, तो उनके मकान पर हूँ फिलहाल। इंशाल्लाह आप कुछ बोलना चाहें तो बोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर गौस साहब भी है, शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी।